हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में स्टार्ट करेंगे पार्ट टू, जो कि आपका रीजनिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं यहाँ पर, जिसका आपका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है। ये आपका सेकंड लेक्चर है, पार्ट टू है कोडिंग डिकोडिंग के। फर्स्ट लेक्चर में टाइप वन टाइप टू किया था और अब सेकेंड लेक्चर में हम करेंगे टाइप थ्री के बारे में। ठीक है, तो टाइप थ्री में आप लिखेंगे, सबसे पहला जो टाइप थ्री है ये है आपका संख्या या शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। इस टाइप की जब कोडिंग आती है तो आपको एक चार्ट बना लेना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बेस पर आपको एक चार्ट बनाना होता है, फिर आपको आंसर करना होता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है आपका, यदि बादल को सफेद, ठीक है, बादल को सफेद, यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा, सफेद को हवा, हवा को नीला, हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को पानी, और पानी को बिजली, पानी को बिजली कहा जाता है, बिजली कहा जाता है, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। ठीक है, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, कहाँ उड़ेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको इस तरीके से चार्ट बना लेना है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखोगे बादल का रिलेशन किससे है, सफेद से है, सफेद का रिलेशन किससे है, हवा से है, और हवा का रिलेशन किससे है, नीला से है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, हवा में। क्या ये आंसर सही है? नहीं, हवा में क्यों नहीं सही है, क्योंकि हवा की कोडिंग क्या है, नीला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पक्षी कहाँ उड़ते हैं, नीला में उड़ते हैं, नीला का मतलब हो गया हवा में उड़ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो कोडिंग होती है इसको बोलते हैं शब्द प्रतिस्थापन, क्योंकि यहाँ पर शब्द जो है वो एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसी के बेस पर करते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है हवा को पानी, हवा को पानी, पानी को लाल, पानी को लाल, लाल को पीला, लाल को पीला, पीला को हरा, पीला को हरा कहा जाए तो खून का रंग क्या होगा, तो खून का रंग क्या होगा, खून का रंग क्या होगा, ये पूछा गया है। कोडिंग दी हुई है हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा कहा जाता है तो खून का रंग क्या होगा। आप सबको पता है खून का रंग क्या होगा, लाल। ऑप्शन में लाल दिया है, टिक करके आ जाओगे, क्या सही होगा आंसर, नहीं गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि लाल की कोडिंग दी हुई है और लाल की कोडिंग क्या गिवन है, पीला। तो आपका आंसर राइट क्या आएगा, पीला। खून का रंग क्या होगा, पीला, राइट आंसर हो जाएगा पीला ना कि लाल। तो ये है आपका टाइप थ्री जो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर है, जिसमें शब्दों की हेरा फेरी है, यानी कि शब्दों के सामने कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनको एक कोड से रिप्लेस किया होता है और उसी कोड को आपको आंसर में यूज करना होता है। आई होप आपको ये भी टाइप क्लियर हुआ होगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। उसके बाद हम टाइप फोर देखते हैं। टाइप फोर को मिश्रित कोडिंग कहा जाता है, मिश्रित कोडिंग, मिक्स कोडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिक्स कोडिंग। तो ये नोट कर लिया आपने, अब यहाँ पर मिक्स कोडिंग में आपको एक पूरा एक सेंटेंस टाइप का दिया होता है और उसकी कुछ कोडिंग दी होती है। इसको भी एग्जांपल से आप बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। एग्जांपल है आपका, किसी निश्चित कोड भाषा में गिव योर बुक, गिव योर बुक, गिव योर बुक की कोडिंग है SKDGAP। ठीक है, ये कोडिंग है, गिव योर बुक की कोडिंग है। दूसरा इन्होंने बोला बुक माय टिकट्स, बुक माय टिकट्स,
और इसकी कोडिंग दिया है इन्होंने DZLE और NB. फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इस कोड भाषा में गिव का कोड क्या होगा, गिव का कोड क्या होगा, ये इन्होंने पूछा है. ऑब्वियसली बात है इसी तीनों में से कोई होगा, क्योंकि गिव कहां पर आ रहा है, इन्हीं तीनों में आ रहा है. ठीक है, तो कैसे आप पहचानेंगे, तो सबसे पहले आप चेक करो बुक, बुक कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, डीजी कॉमन है. ठीक है, इसका मतलब बुक की कोडिंग क्या हो गई, डीजी, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन गिव की कोडिंग क्या होगी, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ऑप्शन है आपके इसमें. देखो अब गिव यहां पर कुछ और कॉमन नहीं हो रहा, तो गिव आपका जो है वो एसके भी हो सकता है और एपी भी हो सकता है. तो ऑप्शन में जिस ऑप्शन पे आपको मिलेगा या तो एसके या तो एपी, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो जो जहां पर ऐसा लिखा होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अगर पूछता बुक की कोडिंग क्या होगी, तो बुक की कोडिंग तो डायरेक्ट ही दिख रही है, डीजी हो जाएगी. लेकिन गिव की पूछा तो क्या होगा, या आइदर एसके और एपी. सेम योर की भी क्या होगा, आइदर एसके और एपी. क्लियर तो है नहीं कि दोनों में से क्या होगा, तो ऑप्शन आपको फिर इस तरीके का मिल जाएगा. ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इन्हीं के बेस पर, इसे आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. स्क्रीन शॉट ले लो. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका. अ फास्ट ट्रेन. इसकी कोडिंग है 158. ठीक है, 158. ट्रेन टू मुंबई. इसकी कोडिंग है 138. सॉरी 931. ठीक है, ये हो गई इसकी कोडिंग. तो ट्रेन की कोडिंग क्या होगी, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रेन की कोडिंग क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है. तो आप देखेंगे इस दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ ट्रेन ही कॉमन है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, वन कॉमन है. इसका मतलब ट्रेन की कोडिंग क्या हो जाएगी, वन इसका राइट आंसर हो जाएगा. अगर आपसे पूछता ए की कोडिंग क्या होगी, तब आप बोलेंगे ए की कोडिंग 5 और 8 में से कुछ भी हो सकता है. फास्ट की कोडिंग भी 5 और 8 में से कोई एक हो सकता है, इनमें मुंबई में 9 और 3 में से कोई हो सकता है. ठीक है, तो जब क्लियर ना हो तो या तो का ऑप्शन होगा, और क्लियरली होगा तो इस तरीके से जो कॉमन होता है और उसकी कोडिंग में भी जो कॉमन होता है वो वैल्यू लेकर वही आपका आंसर हो जाता है. ठीक है, तो टाइप 4 की कोडिंग में होता है मिक्स कोडिंग, जो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं. तो आप इसे कर लें, फिर हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, टाइप 5 पर. टाइप 5 है आपका सिंबल कोडिंग. क्या है, सिंबल कोडिंग. टाइप 5 है सिंबल कोडिंग, यानी कि प्रतीक कोडिंग. इसमें कुछ सिंबल गिवन होते हैं. ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल के ही थ्रू करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं. तो पहला एग्जांपल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट, क्या लिखा है, बास्केट. बास्केट की कोडिंग है 5%, 3 हैच 4, 2. ठीक है, ये बास्केट की कोडिंग हो गई. आर्म की कोडिंग ARM, आर्म की कोडिंग 6% and 9 है. तो टर्म की कोडिंग क्या होगी, तो टर्म की कोडिंग क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. बास्केट की कोडिंग गिवन है, आर्म की कोडिंग गिवन है, टर्म की कोडिंग पूछ रहा है क्या होगी. बास्केट की कोडिंग है ये, आर्म की कोडिंग है ये, टर्म की कोडिंग बताना है. तो देखो टी की कोडिंग क्या है, 2. ई की कोडिंग क्या है, 4. आर की कोडिंग क्या है, 6. और एम की कोडिंग क्या है, 9. तो बस यही कोडिंग आपको लिख देना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका टर्म का 2, 4, 6, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा.
ठीक है, तो ये हो गया सिंबल कोडिंग। एक और देखते हैं, टाइप सिक्स है आपका। टाइप सिक्स को बोलते हैं शर्तानुसार कोडिंग। शर्तानुसार कोडिंग ये थोड़ी बड़ी है, समझिएगा अच्छे से इसको। कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं, उस कंडीशन के बेस पर ही आपको क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कंडीशन है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी कराती हूँ। पी ए जे, पी ए जे, ठीक है, कोडिंग है ये, लिख देती हूँ मैं। पी ए जे आई एम ई आर यू के, ठीक है, और इनकी ये अक्षर हो गया यानी लेटर हो गया। संख्या कोडिंग इनकी गिवन है, संख्या कोडिंग है इनकी 2 5 8 6 1 3 9 4 7, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शर्त भी है इसकी, कंडीशन है, क्योंकि ये शर्त अनुसार है, कंडीशन के बेस्ड पर है। पहली शर्त है यदि पहला अक्षर व्यंजन, ठीक है, पहला अक्षर क्या होगा, व्यंजन होगा, और अंतिम अक्षर जो लास्ट का होगा वो क्या होगा, स्वर होगा, स्वर होगा, तो दोनों को स्टार के रूप में निरूपित करेंगे। तो दोनों को स्टार के रूप में निरूपित करेंगे, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वर्ड और ये लास्ट वर्ड है। और दूसरी कंडीशन थी यदि पहला अक्षर स्वर है, पहला अक्षर क्या है, स्वर है, पहला क्या है, स्वर है, और अंतिम क्या है, व्यंजन है, अंतिम क्या है, व्यंजन है, लास्ट वाला जो है वो क्या है, व्यंजन है। तो दोनों को डॉलर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, आर के पिज्जा, आर के पिज्जा की कोडिंग क्या होगी, इसके बेस पर ये इन्होंने क्वेश्चंस दिया, और उसके आधार पर इन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर पहला व्यंजन दूस और लास्ट वाला स्वर होगा तो दोनों को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि दूसरी कंडीशन थी इनकी, पहला स्वर होगा और आखिरी व्यंजन होगा तो दोनों की डॉलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये क्या है, व्यंजन है, यानी कि ये कंसोनेंट है। आर क्या है, कंसोनेंट है, ए क्या है, वॉवेल है। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट, तो इन दोनों को आप किससे करेंगे, स्टार से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो के की जगह पर 7 है, पी की जगह पर 2 है, आई की जगह पर 6 है, और जे की जगह पर 8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार 7 2 6 8 स्टार, ठीक है, ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का कर लेते हैं, क्वेश्चन इसी का है, एग्जाम्पल भी इसी का है, कर लेते हैं। ए जे आई पी के आर, ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब यहां पर चेक करो कौन सी कंडीशन है, पहला स्वर है और लास्ट वाला क्या है, व्यंजन है। पहला स्वर और लास्ट वाला क्या है, व्यंजन है, तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन टू अप्लाई होगी। तो पहला और आखिरी की कोडिंग डॉलर हो जाएगी, बाकी जो बचे हुए हैं उनकी कोडिंग यहां से लिखोगे। तो जे की कोडिंग है 8, आई की 6, पी की 2 और के की 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये होता है जो शर्त पर, कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कोई ध्यान से नहीं पढ़ता है तो वो आर की जगह पर भी क्या लिख के आ जाता, 9, ए की जगह पर क्या लिख के आ जाता, 5, और ऑप्शन में बड़े आसानी से ये भी दिया होगा क्योंकि एग्जामिनर जानता है आप मिस्टेक कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हो गए आपकी कोडिंग डिकोडिंग की शॉर्ट ट्रिक्स जिनके बेस्ड पर आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेश्चंस की सीरीज रखेंगे। टोटल जितने भी क्वेश्चन है ये है आपके, एक सीरीज चल रही है आपका जो कि केपी सिंह बुक से, मैं सारी एक्सरसाइज को करवा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के जितने भी आए हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है, और उसमें अगर कुछ और नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको भी किस शॉर्ट ट्रिक से करना है वो भी देख लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।